रेनू प्रीति, आप देख रहे हैं संवाद 365। दर्शकों, पूरे देश में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस महामारी के बीच एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिससे साफ पता चलता है कि आखिर क्यों इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में इजाफा हो रहा है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल मथुरा के सीएमओ कार्यालय में तैनात जिला कार्यक्रम प्रबंधक हैं, जिनका नाम संजय सिहोरिया है, जिन्होंने 14 अप्रैल को अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था। उस टेस्ट में उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनके परिजन भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और जब उन्होंने दोबारा 29 अप्रैल को अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया तो उस दौरान संजय सिहोरिया की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। और इसके बाद 1 मई से लेकर 3 मई तक संजय सिहोरिया ने सीएमओ कार्यालय में काम किया, लेकिन इस बीच संजय सिहोरिया की बेटी कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जब दोबारा संजय सिहोरिया का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो उस दौरान फिर से संजय सिहोरिया कोविड पॉजिटिव पाए गए। और जब उन्होंने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी तो उनके अधिकारियों ने संजय सिहोरिया का एक बार फिर से 5 मई को कोरोना टेस्ट कराया, और इस दौरान 6 मई को जब संजय सिहोरिया की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में भी संजय सिहोरिया कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। लेकिन उनके कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भी सीएमएस डॉक्टर रचना गुप्ता द्वारा जबरदस्ती उन्हें सीएमओ कार्यालय में बुलाया जा रहा है और दफ्तर में उनसे काम कराया जा रहा है। मेरा नाम संजय सिहोरिया है, मैं यहाँ पे डीपीएम एनएचएम के कार्य पद पर कार्य कर रहा हूँ। और आज मैंने 14 तारीख को पॉजिटिव हुआ था, 14 तारीख को सैंपल दिया था, तो सैंपल के आधार पे तो मेरी फैमिली की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। फिर मेरे द्वारा 27 तारीख को पूरे सैंपल कराया गया, उसके आधार पर मेरी 29 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो मैंने उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने 1 तारीख को ऑफिस ज्वाइन कर लिया। 1, 2 और 3 तारीख मैंने काम किया, क्योंकि मेरी बेटियाँ भी पॉजिटिव थी उस समय, तो सैंपलिंग टीम घर पर आई थी 2 तारीख को, तो मैंने उनके साथ अपना भी सैंपल दे दिया, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही थी हल्की सी उस समय। तो 2 तारीख जो सैंपल दिया था उसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 4 तारीख को सैंपल जो रिपोर्ट आई है। फिर मैंने 5 और 6 को मैं होम आइसोलेट रहा घर पे, फिर मेरे द्वारा पुणे पर सैंपल कराया गया, अधिकारी द्वारा सैंपल कराई है अपना, उसके फिर आधार पर सैंपल कराया 5 तारीख को, फिर 7, 6 को रिपोर्ट आ गई, वो भी पॉजिटिव आई। लेकिन संजय सिहोरिया के 6 मई को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता द्वारा उन्हें ऑफिस में काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, ये बड़ी लापरवाही हम आपको बता रहे हैं मथुरा से। देखिए उनकी रिपोर्ट के विषय में मुझे ज्ञात हुआ है कि डीपीएम श्री संजय सिहोरिया जी 14 अप्रैल की सैंपलिंग में पॉजिटिव पाए गए थे और आज दिनांक शायद 7 मई को उनका 24वां दिन चल रहा है। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 2 दिन पहले उन्होंने सैंपल दिया था उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो इस विषय में मुझे कहना है कि 14 तारीख को जो पॉजिटिव आए हैं उसके बाद अगले 2-3 महीनों तक 14 तारीख के बाद 17 दिन का होम आइसोलेशन होता है, उनके द्वारा 17 दिन का होम आइसोलेशन किया गया है जो कि 14 तारीख के बाद 17 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार दोबारा सैंपलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मृत वायरस होते हैं उनके पार्टिकल 2-3 महीने तक शरीर में रहते हैं और वो पॉजिटिव रिपोर्ट देते रहते हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तो उसके बावजूद भी आखिर क्यों सीएमओ द्वारा उन्हें दफ्तर पर काम करने के लिए बुलाया जा रहा है? क्या ऐसे में उनकी और जो आसपास उनके लोग हैं उनकी जान को खतरा नहीं है? आखिर क्यों इस तरह तेजी से कोरोना संक्रमित मामलों में इजाफा किया जा रहा है? आपकी इस खबर पर क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।